चेयरमैन इलेक्शन सेल जमात इस्लामी लियाकत बलोच की ज़ेर सदारत अजलास फरीद प्राचा, रशीद अहमद, हाफिज़ सैफुररहमान और दीगर की शिरकत। लियाकत बलोच का कहना था कि आवाम साबिका हुक्मरान जमातों की कारकर्दगी से नाला है, जमात इस्लामी आवाम के दुखों का मुदावा करेगी। अहम अजलास है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन इलेक्शन सेल जमात इस्लामी लियाकत बलोच की ज़ेर सदारत अजलास हुआ, फरीद प्राचा, रशीद अहमद, हाफिज़ सैफुररहमान और दीगर की शिरकत। लियाकत बलोच का कहना था कि आवाम साबिका हुक्मरान जमातों की कारकर्दगी से नाला है, जमात इस्लामी आवाम के दुखों का मदावा करेगी। जमात इस्लामी की जानिब से अहम इजलास हुआ है, उस बारे तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, इजलास का अहवाल बताइए। हाँ जी बिल्कुल, नायब चेयरमैन इलेक्शन सेल जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की सदारत में इजलास मुनक्कद हुआ मंसूरा में, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन सेल फरीद प्राचा, रशीद अहमद, हाफिज सैफुररहमान और फरहान हंगड़ा, इयाज उमर, अनायतुलरहमान, जफर नकयाना, राजा अकरम शरीफ हुए। जमात इस्लामी के मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बलियों के नुमाइंदगान के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। ये कहना था इस मौके पर लियाकत बलोच का। लियाकत बलोच ने मजीद कहा, हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार वन पर जोश अंदाज में आपका शुक्रिया हमजा।